दोस्तों मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टाटा हैरियर की बूट स्पेस का एक्चुअल टेस्ट करने वाले हैं और कंपनी क्लेम करती है कि इसका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है और इस वीडियो के अंत में मैंने भी ये रियलाइज़ किया है इसका बूट स्पेस वाकई में बहुत अच्छा है। इसके कुछ रीजंस हैं दोस्तों, जैसे फर्स्ट रीज़न ये है कि इसकी सीट्स को हम रिक्लाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस गाड़ी काफ़ी चौड़ी है और लंबी भी है, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है और सीट रिक्लाइन करने के बाद जो सब आगे लेग स्पेस है उसमें भी हम काफ़ी सामान रख सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लेग स्पेस भी दिया गया है। और दोस्तों बूट स्पेस तो वैसे भी अगर सीट्स को हम पीछे करते हैं, नॉर्मल बूट स्पेस इसका ब्रेजा से ज़्यादा था, लेकिन अगर हम सीट्स को आगे रिक्लाइन करते हैं तो हमें और ज़्यादा लेंथ और ब्रेथ में स्पेस मिल जाती है क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी चौड़ी है और लंबी भी है और काफ़ी अच्छा स्पेस है। 3 पर्सन आसानी से इसमें बैठ सकते हैं, इस हिसाब से काफ़ी अच्छे बॉक्स आ जाते हैं इसमें और लगेज वगैरह रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों एट दी एंड हमने ये रियलाइज़ किया कि इसमें 38 बॉक्स रख पा रहे हैं अच्छे से और कुछ फ्लेक्सिबल चीज़ें जैसे कपड़े वगैरह होंगे तो वो भी रख पाएंगे और अभी भी इसमें देख पा रहे हैं आप काफ़ी स्पेस बाकी है साइड्स में और ऊपर में थोड़ी स्पेस बाकी है और इस वजह से हम इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। और गाड़ी वैसे भी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आती है, अच्छी स्पेस है, इंडियन ब्रांड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से इसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका मेन टारगेट बूट स्पेस है तो। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें और जिसे टाटा हैरियर लेनी हो होप कि उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। थैंक यू।